हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और मैं भी ठीक ठाक हूँ अभी। तो अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ मैम, आप ठीक हो कि नहीं। तो हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं कि आज क्या है किसकी किस्मत में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि क्या उनका मन नहीं करता आपसे बात करने का, है ना। इस पर मैंने ऐसे कलेक्टिव रीडिंग ही किया था, लेकिन आज पिका कार्ड रीडिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने बताया था प्लीज़ पिका कार्ड रीडिंग करें। तो चलो पिका कार्ड रीडिंग आज इस टॉपिक पर करते हैं, क्या उनका मन नहीं करता आपसे बात करने का, है ना, ये देखना है हमें। तो मैंने आपके सामने टू पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर वन ये है, पाइल नंबर वन वुमेन होल्डिंग हार्ट, ठीक है। और पाइल नंबर टू, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पाइल नंबर टू, ये है फैमिली, हैप्पी फैमिली। दिख रहा है कार्ड्स आपको? तो आप दोनों ही कार्ड्स में से कोई एक कार्ड जो है ना चूज कर लो, मतलब देखो, ध्यान लगाओ, जिसके लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिसके लिए अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको जो है ना ये कार्ड अच्छा लग रहा है, या फिर इस कार्ड में मेरा आंसर है, तो उस कार्ड को ही आप लोग चूज़ करना। और टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है ना अपना अपने कार्ड पे जा करके देख सकते हो वीडियो स्किप करके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को हम। तो इससे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगी, जिनको सुनना है सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है नहीं सुने। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को कार्ड शफलिंग करना पसंद नहीं है, तो कार्ड शफलिंग करना जिनको पसंद नहीं है वीडियो स्किप करके देख लीजिए, और जिनको मेरी बातें इरिटेटिंग लगती है तो वो वीडियो ना देखे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर ले, बेकार का अपना फालतू टाइम यहाँ वेस्ट ना करे, ठीक है। तो ये है कुछ लोगों के लिए जो कि निगेटिव पर्सन है, उनके लिए तीखी तीखी बातें उनको अच्छी लगती है ना, दूसरों को सुनाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि प्लीज़ इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जो जिनको पसंद नहीं है, इरिटेटिंग लगता है, ठीक है, तो वो अनसब्सक्राइब कर लें और दोबारा इस चैनल पे कभी ना आए, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल पे या फिर हमारे बीच जो है ना, इतने पॉजिटिव पर्सन के बीच में वो निगेटिव पर्सन आए तो अच्छा नहीं है ना, है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को जो भी है जिनको पसंद नहीं आती रीडिंग, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर भी दिया होगा मुझे जहाँ तक है उम्मीद, ठीक है। और दोबारा इस चैनल पे वीडियोस देखने, मेरी रीडिंग्स देखने मत आया करें पसंद नहीं आती रीडिंग तो, है ना। क्योंकि जो पसंद ना आए ना उसको एकदम अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका दिल करता है, जिनकी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, जिनके साथ अच्छा लगता है, उनकी रीडिंग देखिए, है ना। इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरी वीडियो तो बेकार जाने वाली है नहीं, मेरी रीडिंग तो बेकार जाने वाली है नहीं, है ना। तो जिनको कार्ड शफलिंग करना पसंद नहीं है, वही मैं फिर बातें बोल रही हूँ कि वो जो है ना वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर मन चाहे तो, और नहीं चाहे तो फिर कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो है ना एक्यूरेट रीडिंग करना चाहती हूँ, ऐसी रीडिंग करना चाहती हूँ जो आपके साथ रेजोनेट करे, ऐसी रीडिंग मैं नहीं करना चाहती जो आपके साथ रेजोनेट ही ना करे, है ना। तो मैं कार्ड शफलिंग नहीं करूँगी, आपकी एनर्जी नहीं लूँगी, तो फिर मैं कोई भी कार्ड निकाल के आपके सामने रख दूँ तो किसी के साथ रेजोनेट ही नहीं करेगी, फिर वैसी रीडिंग करने से क्या फ़ायदा, है ना। तो जिनको कार्ड शफलिंग पसंद है, मैं कार्ड शफलिंग करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एनर्जीज लोगों तक मुझे ज़्यादा कवर करना चाहिए, तो वैसी जो है ना एनर्जी मुझे ज़्यादा पसंद है, वैसी रीडिंग करना, ठीक है। तो अब जिनको पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं चाहे तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है। तो यह है पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन के साथ। मैं इनको रखती हूँ यहाँ साइड में, ठीक। तो पाइल नंबर वन जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या होता है। आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं।
मैं इन कार्ड्स को जो है ना सबसे बाद में देखूंगी, पहले मैं इन कार्ड्स को निकालती हूँ। तो नाइन ऑफ बोस का कार्ड है यहाँ मेरे पास, यहाँ पे द वुडवर्ड का कार्ड है और 10 ऑफ स्टोन का कार्ड है। ओके, स्टोन स्टोन, ओके, किंग ऑफ एरोस का कार्ड है, वाह, द लवर्स, ओके, लवर्स, और मेरे पास है 6 ऑफ वेसल्स, वाह। अब तो आपको लगता है ना कि आप उछल रहे होगे कार्ड्स को देख के, है ना? कुछ मेरी रीडिंग्स जो देखते हैं रेगुलर, उनको तो पता ही चल गया होगा, कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा, है ना? लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो कार्ड्स मैं रख लूँ यहाँ से ऐसे, ताकि आपको भी दिखे अच्छे से, है ना? चलो तो यहाँ रीडिंग करते हैं स्टार्ट। मैं आपको साइन बता देती हूँ, साइन कोई मैटर नहीं करता है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, है ना? तो देखो, नाइन ऑफ बोस का कार्ड है, यानी कि हमारे पास है यहाँ पे फायर है, यहाँ पे अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तो यानी कि सारे एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि सारे ही साइन अवेलेबल है हमारे पास, है ना? तो किसी को जाने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो नाइन ऑफ बोस का कार्ड है, पहले तो जो है ना आपके पर्सन काफी परेशान है, काफी परेशानी में है ये पर्सन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है ना ये निभा रहे हैं, इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जो है ना इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको जो है ना ये निभाने में लगे हुए हैं, है ना? और ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि देखिए ये एक चांस चाहते हैं, ठीक है, आपसे जो है ना आपसे चांस चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि इनकी फीलिंग में बता रही हूँ जैसा कि, ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ है, कहते हैं ना कि इनके लिए कुछ मुमकिन मुमकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन कहते हैं ना वही नहीं है, ठीक है, इनके लिए सब पॉसिबल है, लेकिन क्या है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर, ठीक है, और वही जो है ना वो निभाने में लगे हैं, तो बहुत बिजी है, जिसके कारण से आपको लग रहा होगा कि सेपरेशन में है, नो कॉन्टेक्ट में है, मैरिड मैरिड है, अनमैरिड है, सबके लिए है ये रीडिंग, है ना? तो पाइल नंबर वन, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन में लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है इनको, और इनको फैमिली की जिम्मेवारी है, इनका कैरियर भी जो है ना ये मुझे तो ये भी दिख रहा है कि कैरियर है इनका, तो उसमें भी कुछ जो है ना इनको पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन वेंशन है, और यहाँ पे ये तो जो है ना ये पर्सन जो है ना आपके पर्सन जो है ये तो मुझे लगता है कि विदेश भी जाने वाले हैं, अबॉर्ड भी जाने वाले हैं, या रहते भी होंगे, डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, सॉरी द स्टैग का कार्ड है, तो ये कार्ड क्लियरली बता रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद हैंडल कर सकते हैं, ये खुद जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका क्या है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं, तो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये आपसे एक एक मौका चाहते हैं, आपके चाहते हैं ना कि वो पर्सन मुझे चांस देगा कि नहीं देगा, तो इनके अंदर जो है ना एक डर भी है कि ये पर्सन मुझे चांस देगा कि नहीं देगा, ठीक है? तो ये भी है, और यहाँ पे कुछ जो है ना इनके माइंड में डर भी है, ठीक है, ये जो है ना इनके माइंड में डर भी है, आपके पर्सन के माइंड में, देखिए ये दोनों ही कार्ड्स के जो है ना, मैं सारे ही कार्ड्स को मेंटेन करके बता रही हूँ आपको, एक एक कार्ड के मैं मीनिंग नहीं बताती हूँ, ठीक है? तो क्लियरली मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थोड़ा सा ट्रबल में है, ट्रबल में थोड़ा सा क्या, ट्रबल में ज्यादा ही ट्रबल है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ज्यादा ही हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि
इनको किसी बात का डर है, सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, इनका कुछ जो है ना कुछ ऐसा डर है, आपकी फैमिली से डरते हैं या अपनी फैमिली से डरते हैं, कुछ जो है ना इनको इनके अंदर डर बैठा हुआ है, ठीक है, इनके अंदर डर है, जिस वजह से जो है ना आपके पर्सन ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, इनके इनके ये जो है ना पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई कहते हैं ना कि मुझे करना है तो करना है, ठीक है, करना है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे कि हाँ मुझे करना है, डरे हुए हैं अंदर से लेकिन दिखाते नहीं है बाहर से कि डरे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, जस्टिस चाहते हो ना, देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे भी है, ये भी, ये सारे ही कार्ड्स मुझे पॉजिटिव ही बता रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग जो बोलते हैं कि हाँ मैं एक ही बात को रिपीट करती हूँ, तो एक कार्ड के मतलब जो होता है ना इन तीनों चारों कार्ड्स के मतलब मुझे एक ही है, तो मैं क्या एक ही बात बोलूं, तो आप लोग ये सब कमेंट मत किया करो। चलो ये जो है ना यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ जो है ना यहाँ पे आपके आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, मतलब आपके पर्सन जो है ना आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं ये हम देख रहे हैं, तो आप बात तो करना चाहते हैं लेकिन क्या चाहते हैं कि पहले उधर से तो कुछ आए, कुछ उधर से पहले आए मैसेज कॉल, तो आप लोग अब आप लोग एक्शन मत ले लेना कि हाँ चलो मैं मैसेज ही कर देता हूँ, मैं मैसेज ही कर देती हूँ, कॉल ही कर देती हूँ, उसके बाद पता चला कि ब्लॉक हो गए, फिर बोलोगे कमेंट करो कि हाँ मैंने तो ब्लॉक कर दिया, अरे सही टाइम का वेट तो करो, सही टाइम का वेट करो तब मैसेज कॉल करना, ठीक है। देखो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं, आपके साथ घर चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, इनकी इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी फैमिली इनको जो है ना आपके साथ फैमिली चाहिए, ठीक है, फैमिली प्यार मोहब्बत जो है ना इनको चाहिए आपसे, आपके लिए जो है ना इनकी फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग ही नहीं है, तो फीलिंग है इनकी, ठीक है, आपके लिए जो है ना इनकी फीलिंग है। और देखिए आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है ना कि दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, दिल से कम चलते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो बस वही लेते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना है ना, ये है, और अपनी फीलिंग को आपके सामने दिखाते नहीं है, आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखिए यहाँ पे द फॉरेस्ट लवर्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, दिखाते नहीं है ये अलग की बात है, दोनों ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, क्योंकि सोलमेट के ही कार्ड्स मेरे पास हैं, ठीक है, सोलमेट है वो यहाँ पे, और ये द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है मेरे पास, या इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑफ वेसल्स का भी कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, और एंजल नंबर देख रहे हो 4 4, इन्होंने अपना दिल ठान के रखा है पकड़ के, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, करेंगे, उनका ऐसा मन नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो सिक्स ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों का जो है ना यहाँ मुझे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, मतलब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो नहीं बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन होता है हो रहा है मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ना घर भी मुझे दिख रहा है, यहाँ तो लवर्स है ही, तो आप लोग दोनों लवर्स हो, ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ही जो है ना एक इंडिपेंडेंट वूमेन और बहुत खूबसूरत, और होता है ना कि खूबसूरती के पीछे लोग हो जाते हैं ना, तो वैसे ही एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन इनको डर है किसी बात का जो है ना, इनको डर है, इस वजह से ये आपको जो है ना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड क्या है, तो आपके इनर जो होता है ना कि इनर ग्रोथ को दिखाता है, आपकी यहाँ पे तीसरी आँख खुली हुई है, मतलब क्या है कि आप जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, अपने आप को जो है ना नेचर से ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पे मेडिटेशन भी करते हुए आप दिख रहे हो, उस पाथ पे आप लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अनुभव होता ही है, हो भी रहा होगा कि हाँ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं कि नहीं आने वाली हैं, ठीक है,
तो ये अनुभव होता है आपको और अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो है ना आपके पर्सन आने वाले हैं, वही मैंने कहा है कि आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उन्हें अट्रैक्टिव लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आप यहाँ पे मुझे जॉब करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे जॉब करती हुई दिख रही हैं। और देखो ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ही डेक से जो है ना सेम सेम आए हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। आप भी कंट्रोलिंग हो और आपके पर्सन भी कंट्रोलिंग है, दोनों ही कंट्रोलिंग हो, ठीक है। दोनों ही कंट्रोल करके रखते हो यहाँ पे, किसी भी जो है ना सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो। बहुत ही जो है ना एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, ठीक है। दोनों का इस दोनों को ही स्ट्रगल करना पड़ा है अपने रिलेशनशिप में, और दोनों को ही जो है ना यहाँ पे आर्गुमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है ना आप लोग कंट्रोल कर लेते थे, दोनों कंट्रोल कर लेते थे, कोई ऐसा नहीं था कि छोड़ दे, ठीक है। तो कंट्रोल कर लेते थे, फिर भी ये दूरियां आ गई। फिर भी ये दूरियां आ गई। खैर कोई ना, यहाँ पे तो रीयूनियन का होना है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो रीयूनियन क्लियरली दिख रहा है कि रीयूनियन होगा, ठीक है। कब तक होगा आप लोग पूछोगे, कब तक होगा? तो यहाँ पे सिक्स डेज सिक्स वीक्स सिक्स मंथ लग सकते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको कॉल कब तक करेंगे? 6 डेज 6 मंथ 6 आवर्स, ठीक है, 6 वीक्स, इतना टाइम जो है ना आपके पर्सन को आपको कॉल करने में लग सकता है, इतना टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ना ये समझ में आ गया होगा मेरी रीडिंग्स, ठीक है। और जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय। तो हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने द हैप्पी फैमिली, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स में आते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो देखते हैं, द व्हील का कार्ड है यहाँ पे, ओके। थ्री ऑफ वेसल्स का कार्ड है, बैलेंस, एट ऑफ स्टोन और एंसेस्टर का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ एरोस का कार्ड है, और मेरे पास द ग्रेट बियर है, और यहाँ पे द एम्प्रेस है, और यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है, ओके। जजमेंट, ओके ओके ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो है ना कार्ड्स की एनर्जी, कार्ड्स में सही से रख लेती हूँ। तो पहले मैं साइन बता दूँ, तो यहाँ पे वाटर है, अर्थ है, एयर है, और यहाँ पे बस जो है ना फायर नहीं है। फायर वैसे यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फायर है, ऐसा नहीं है कि फायर नहीं है तो रीडिंग आपके साथ आपके लिए नहीं है। आप लोग वेट तो करो, देखो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपके लिए है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों के जो है ना रिलेशनशिप में मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैं पहले वो बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि हाँ बात करना चाहते कि नहीं। तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी का मतलब इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, यहाँ पे फैमिली मैटर कुछ दिख रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए फैमिली मैटर है, और उनकी मम्मा या फिर पप्पा, ठीक है। तो ऐसा जो है ना मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पे अभी जो है ना बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं, उनका शेड्यूल जो है ना बहुत बिजी चल रहा है, शेड्यूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एट ऑफ स्टोन का कार्ड है, तो अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि उनके जो है ना कैरियर है, उनका जो है आगे के फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं आपके पर्सन, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उसी के कारण से जो है ना आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उनकी जॉब भी हो सकती है, उनका कैरियर भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे जो है ना
मुझे उनकी फैमिली भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी फैमिली ही मुझे बता रहा है और ये कार्ड भी मुझे फैमिली ही बता रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है तो इनकी मम्मा या पप्पा हो सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड तो थर्ड पार्टी है ही, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। प्यार तो यहाँ पे दिख रहा है, पेज ऑफ फेरोज का कार्ड है, प्यार करते हैं, डिस्टेंस है आपके पर्सन और आप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, कुछ ऐसा जो है ना मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन इतना आपसे प्यार करते हैं कि आपको जो है ना आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन जो है ना आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे शादी का तो पहले ही मुझे दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, देखो पेज ऑफ एरोज का कार्ड है, तो ये क्या है, प्यार करते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि हाँ बात करना चाहते हैं, आपकी बात होगी अपने पर्सन से, कम्युनिकेशंस होंगे, कुछ जो है ना इनके माइंड, इनका थॉट जो है ना आपके लिए चेंज होगा, इनके थॉट्स भी चेंज होंगे, इनका माइंड चेंज होगा, चाहे इनके करियर वाइज देखें या फिर इनका फैमिली वाइज भी देखें ना, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस कुछ दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, होते हुए चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे ये भी कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अब क्या चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने थॉट्स में अपने रिलेशनशिप में जो है ना ये एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ही कहते हैं ना कि एक ताल से ताल, चाल से चाल मिला के चलना, कैसे होता है कि कदम से कदम मिला के चलना, ठीक है। तो वो है, और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो है ना ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बैलेंस, बहुत ही अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। एक कहते हैं ना कि ट्रू लव, ठीक है, तो ये जो है ना ट्रू लव, एक अच्छा रिलेशनशिप, ठीक है। काफी जो है ना आपके पर्सन अपने वही है चेंज करना चाहते हैं, अपनी थॉट्स वगैरह जो है ना ये चेंज करेंगे, और इनका थॉट वगैरह जो चेंज होगा ना तो ये क्या होगा, ये प्यार, और ये पहले कहते होंगे कि हाँ चलो रिलेशनशिप है तो है, बस कोई वैल्यू नहीं देते होंगे ना, कोई भाव नहीं देते होंगे, लेकिन अब क्या है, इनको समझ में आएगा आगे का मैं देखूँ तो समझ में आएगा कि आपके साथ इनका क्या क्या है, मतलब क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो रीयूनियन तो होना ही है, ये कार्ड्स तो क्लियरली बताते हैं ना कि रीयूनियन यहाँ पे होना ही है, बस आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है, करते जाना है, फल की चिंता नहीं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इतना टाइम मैनिफेस्ट किया उतना टाइम मैनिफेस्ट किया, अरे किसी कोई तो मैनिफेस्ट करता है ना, तो यहाँ पे 5 दिन में ही उसको जो है ना मिल जाता है आंसर, ठीक है। तो ये भी है, और देखो यहाँ पे और कार्ड्स जो है ना मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद शादी तक मुझे होती हुई दिख रही है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के भी बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, कुछ जो है ना ऐसा सरप्राइज गिफ्ट वगैरह भी मुझे दिख रहा है कि गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, कॉल वगैरह जो है ना ये आएगा जल्द ही, और ये एकदम अचानक अचानक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और आपको यहाँ पे क्या होगा, जजमेंट मिलेगा। देखो ये दोनों ही कार्ड्स जो है ना जजमेंट के कार्ड है, दोनों ही कार्ड्स आज दोनों ही डेक में बहुत अच्छे जो है ना एनर्जीज आई हैं, इसमें भी वही एनर्जीज आई हैं और उसमें भी पहले वाले डेक में जो है ना पहले वाली पाइल में जो है ना ऐसी एनर्जीज आई थी, बिल्कुल सेम सेम आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी एकदम सेम सेम। तो वैसे ही दोनों ही ये कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन और आपका जो है ना
आपके साथ आप जजमेंट होने वाला है, ये जजमेंट कहीं जाने वाला है नहीं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से वेट कर रहे हो, तो अब जो है ना वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपको वो सारी चीज़ें अबंडेंस खुशियाँ सब चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप जो है ना अपने पर्सन के साथ बहुत ही इंजॉय भी करने वाले हो, थ्री ऑफ वेसल्स का कार्ड है। आपने बहुत ही टाइम जो है ना, मुझे तो लगता है कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड सर्किल भी होगा आपका, अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ जो होता है ना एक कि फ्रेंड है मेरे तो मैं उनसे पता कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। तो ऐसा कुछ जो है ना मुझे सर्किल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप लोग मुझे काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एकदम होता है ना खुले दिल से इंजॉय करना, खुले दिल से सारी बातें करना, ये सब जो है ना क्लियरली मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन एक्शन लेने के मूड में क्लियरली दिख रहे हैं कि हाँ मुझे कॉल करना है, लेकिन इतनी जल्दी कॉल नहीं करना है, ठीक है। इतना जल्दी इनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बात तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, ये अभी इनका फोकस जो है ना अभी अपने वर्क पे है, अपने जॉब पे है, अपने कैरियर पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लोगे ना आपके पर्सन आपके पास होंगे, ठीक है। तो आपको तो टाइम पीरियड जानना होगा ना टाइम पीरियड जानना है ना आपको कि टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरे पर्सन का कॉल या मैसेज करने का। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो टाइम जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स 2 वीक्स 2 डेज, क्योंकि जजमेंट 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 2020 कार्ड जो है ना मुझे ये दिखा रहा है कि 2 मंथ 2 वीक्स 2 डेज, 2 घंटे भी हो सकते हैं ठीक है, 2 मिनट भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, है ना तो आपके पर्सन जो है ना आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की रीडिंग के लिए मैंने बहुत ये कर दिया। देखिए यहाँ पे द हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया, तो क्या है ये, आप लोग का रियूनियन होने वाला है और आप जो है ना फैमिली फैमिली टाइम एकदम स्पेंड करने वाले हो, फैमिली फैमिली, है ना तो बहुत ही अच्छा जो है ना ये जाने वाला है आपकी आपका कनेक्शन। तो मेरे ख्याल से मैंने आज की रीडिंग कंप्लीट कर दी। तो ये रही, जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, कुछ लगता है नहीं पैसे वैसे, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।